नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के वाला क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 23 जून के जितने भी इम्पोर्टेंस करंट अफेयर होंगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हम लास्ट में वीडियो के लास्ट में 5 क्विज भी लगाएंगे जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंस को देंगे। तो हर वर्ष 23 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 23 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट होगा, भारत ने ICC T20 विश्व कप 2024 के सुपर 8 के मैच दूसरे मैच में बांग्लादेश को 50 रनों से हराया है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, भारत की ज्योति सुरेखा बेनम, परिणीति कौर और आदिति स्वामी ने तुर्की अंताल्या तीरंदाजी विश्व कप 2024 की कमांड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। किस किस ने जीता है स्वर्ण पदक? ज्योति सुरेखा बेनम, परिणीति कौर और आदिति स्वामी ने। अंताल्या तीरंदाजी विश्व कप 2024 में इन लोगों ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, अगला पॉइंट होगा, दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम FTITTP लॉन्च करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। अगला पॉइंट होगा, केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी प्रदीप सिंह खरोला को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का नाम नया महानिदेशक नियुक्त किया है। अगला पॉइंट, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये भी इम्पोर्टेंट है कुछ। उड़ीसा सरकार ने पुरुष और महिला भारतीय हॉकी टीमों के लिए 2036 तक स्पॉन्सरशिप करने का फैसला किया है। अगला पॉइंट होगा, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून 24 जून 2024 से शुरू होगा। अगला पॉइंट होगा, मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में 1 जुलाई से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुभारंभ किया जाएगा। अगला पॉइंट, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान प्राथमिकता सेटिंग्स पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परामर्श बैठक आयोजित करेगा। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए देखते हैं आज के 23 जून के क्विजेस को। तो हमारा पहला क्विजेस है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 176। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ 30 स्मार्ट स्कूलों का ई लोकार्पण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये किस राज्य में शुरू किया गया? तो झारखंड राज्य में। अगला पॉइंट क्वेश्चन होगा, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत तीसरा एयरलाइन मार्केट में प्रस्थान किया है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किस बैंक के साथ ऋण का समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आइए, आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो तब तक के लिए, अगले फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद।